सो हे हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और दोस्तों बिल्कुल सुबह हो चुकी है और सुबह तुम्हारा भाई चकाचक नहा के रेडी है, छवि भी जो है स्कूल की ड्रेस पहन रही है, छवि रेडी है और नाश्ता पानी लंच वगैरह सब फिट हो गया है। और भैया मैंने अभी तक अपने ऑफिस की पैकिंग जो है वो स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि देखो मेरा लैपटॉप जो है वो बाहर पड़ा है, बैग गिरा है, ऑटो के पैसे सब कुछ रेडी है। बट चलने से पहले बेटा क्या हो गया, चलने से पहले दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई है भाई। अब ये समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी लेके निकलूँ, छवि को लेके निकलूँ, कैसे जाऊँ कैसे न जाऊँ, जाऊँ के ना जाऊँ, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो दिमाग में चल रहे हैं। क्योंकि छवि की कल भी छुट्टी हो गई थी, कल भी बहुत तेज़ बारिश थी, मैं भी छुट्टी की थी और अभी देखो निकलने का टाइम और बूंदाबांदी ये देखो ये स्टार्ट हो चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि निकल लूँ या वेट कर लूँ, क्योंकि आज पूरे दिन वेदर जो फॉरकास्टिंग का जो ऐप होता है उसको पूरे दिन बारिश दिखा रहा है पूरे दिन। अब क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बूंदे गिर रही हैं, तो अभी चलो नाश्ता तो कर ही लेता हूं, बाकी देखेंगे एक बार क्या बेस्ट बनेगा आज का। ठीक है बेटा हटो, जुलू हटो रास्ते से, हटो। चलो दोस्तों नाश्ता करते हैं भाई, नाश्ता भी दो है, देखो नाश्ता भी मिल चुका है, दो पराठे चाय और चकली वगैरह। और छवि जो है देख लो, छवि भी रेडी हो रही है, तो मैं नाश्ता करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। क्या रहता है, जाना है नहीं जाना है, एक बड़ा क्वेश्चन हो गया है। बट देखते, तुमने लाइट भी नहीं जलाई यार, देखो लाइट भी बंद पड़ी है, बोलो लाइट भी नहीं जलाई तुमने। पर चलो ठीक है, अभी नाश्ता करते हैं पहले, क्योंकि कहीं लेट ना हो जाए हम। दोस्तों नहा दो के रेडी हूँ भाई, छवि का और मेरा बैग दोनों का यहाँ पे ये रखा हुआ है। बट बारिश इतनी तेज़ हो गई है कि छवि को मुझे स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा गाड़ी से, और क्योंकि छवि के स्कूल में जो है कन्वेंस नहीं है, तो पहले मैं छवि को छोड़ के आता हूँ, देन आफ्टर मैं गाड़ी की चाबी कहाँ है, गाड़ी की चाबी। तो भाई ये रही मेरी गाड़ी की चाबी, आ जाओ जल्दी से लेके, मैं गाड़ी बैक करता हूँ तब तक, ठीक है ना। चलो तो दोस्तों बारिश का ऐसा हाल है भाई, छवि को अभी स्कूल से छोड़ा और देखो उसी रास्ते से निकल रहा हूँ जहाँ पे कांवड़ियों की पूरी तैयारी हो रखी है, ठीक है। और अभी घर जाना है, घर जाने के बाद फिर ऑफिस के लिए बैग उठाना है और फिर निकलना है भाई। बड़ी लंबी प्रक्रिया हो गई, अभी तो पौन घंटा हो गया मेरे को, छोटी सी जगह है थोड़ी सी, पर देखो ऐसे जाम धक्कर लगता है, मतलब पता नहीं कहाँ जा रही है दुनिया। सारी दुनिया अपने बच्चों को कैसे छोड़ने जा रही है, कोई स्कूटी पे कोई छाते में, ऐसी में जाता हूँ। मैंने भी एक कपड़ा रखा हुआ अपने बैग में, जब ऑफिस की बारिश होती है तो ऐसे ही एक कपड़ा सा वो अपने सिर पे ओढ़ के भाग जाता हूँ, क्योंकि बस उतारती है थोड़ा सा पार्किंग एरिया में। बारिश हो रही है, बच्चों के लिए छाते या रेनकोट वगैरह कुछ अरेंज कर लेंगे? अरे मैंने कभी नहीं रेनकोट, कभी भी रेनकोट नहीं यूज़ किया, कभी भी छाते नहीं। हाँ एक बार बहुत छोटे थे तब पापा छाता लेके आ गए थे, तो हम बस ये कहते थे भाई दिन रात में कभी भी बारिश हो जाए बस छाता लेके जाना पड़े किसी भी तरीके से स्कूल ना, बस छाते और बारिश वाली हुई नहीं, जब पापा छाता लेके आए तब वो टंगे खराब हो गए। अच्छा टंगे छाते खराब हो गए, मतलब तुमने लाइफ में कभी छाते यूज ही नहीं किए? मैंने छाता ऐसे यूज नहीं किया कि मैं लेके जा रहा हूँ और कहीं पे यूज करूंगा, ऐसे कभी यूज नहीं किया। बाकी ठीक है बारिश तो होती रहती है, नहीं खैर बारिश में मजे लेने चाहिए, लेकिन स्कूल टाइम में बच्चे मैं ऑफिस जाऊंगा ना तो मैं क्या मजे लूंगा, अभी तो ऑफिस जाने में या तो मैं जाऊँ ही ना, ये वाली बात है। छुट्टी करो, छुट्टी तो मामा हाथ दे दिया था,
पहले हाथ नहीं हो गया, इंडिकेटर हो गया पूरा। वो भी चल रहा, वो भी रुक गया, हम भी रुक गए, हाथ दे दिया बस मुड़ गया। मुड़ना है तो पहले हाथ दे दो भाई, कब आएगा भाई, सेंस नहीं है लोगों को गाड़ी। तुम गलत रह रहे हो यहाँ पे, तुम कहीं सच में मैं बस गलती से रह रहा हूँ यहाँ पे, बस मैं चाहता तो नहीं है रहना, पर मजबूरी है, नसीब है, कुछ भी कह लो, यहाँ रहना तो बिल्कुल नहीं चाहता। तुम कहीं बाहर चले जाओ, बात देख, ये देख गाड़ी वाला निकल गया, ऑटो वाले ने डाल दी गाड़ी अंदर। सो दोस्तों अब यहाँ के रेडी हो गया हूँ भाई, और अब उठा रहा हूँ अपना बैग, ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधे सफर के बीच में। चलो जी, ओके, बाय बाय, चलो चलो चलो, ओके ओके ओके। थोड़े से मेरी हालत खराब हो गई है, थोड़े से मेरी। बड़ी मुश्किल से एंट्री हुई है भाई आज। उन्हीं को देख रहा हूँ, बढ़िया। आई हुई है विनीता, हाँ कोई तो नई गाड़ी आई हुई है तगड़ी वाली, हाँ रेंट पे नहीं, एरिया लिया है, थोड़ा सा पे कर देंगे इसके लिए, हाँ शूटिंग चलेगी ना, बिल्डिंग एक ही खड़ी है, एक ही खड़ी है, पैकिंग में देख, है ना, बढ़िया सही है, चल हम चलते हैं। तो दोस्तों ऑफिस का दिन तो आपने देख लिया भाई, ऑफिस में मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी, बट हाँ
आने जाने का सफर, और भाई बारिश ने क्या आतंक मचाया हुआ था गुड़गांव, वो आपने देखा। अभी फाइनली आया हूँ, चेंज किया है, बैग रखा है, लंच बॉक्स निकाला है, और जूली से बस मोहब्बत अभी ख़त्म हुई है। और जूली की मोहब्बत सच में बताऊँ तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है, जूली की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे अरे क्या चाहिए मुझे बता, क्या चाहिए तुझे? मेरे बेटा पूरे दिन इंतजार करता है मेरा, मुझे बताओ क्या बात है। तो अभी दोस्तों आ चुका हूँ, और भाई चेंज किया, अब खाना वाना खाऊंगा। और देखो क्योंकि मैं ऑफिस गया था तो इसने दूध भी नहीं पिया है। क्यों नहीं पिया दूध? दूध क्यों नहीं पिया? ये लो चलो, मैं और आप चल रहे हैं, ये लो जल्दी दूध मियो, चलते हैं फिर बेटा, जल्दी मियो, चलेंगे 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 चलेंगे। चलो दोस्तों थोड़ा मुँह हाथ धो लेता हूँ, और फिर खाने वाने का अरेंजमेंट देखते हैं क्या है, और फिर मिलता हूँ आपसे। मीन वेल तब तक जूली भी मुझे लगता है दूध अपना पी ही लेगी, क्योंकि धीरे धीरे जा तो रही है दूध के पास, बट अभी पी नहीं रही है। चलो लंच बॉक्स निकालते हैं और फिर खाना खाते हैं। सो दोस्तों खाना हो चुका है, और खाना खाने के बाद अब मैं जाऊँगा टहलने, और जूली को भी थोड़ा सा टहला खिलाऊँगा। और स्टिल अभी तक जूली ने जो है खाना नहीं खाया। मोहतरमा धो रही है बर्तन, ये देखो मोहतरमा धो रही है बर्तन। और भाई सच्चाई ये है कि बच्चों को लिटा दिया है, क्योंकि बच्चों का कल स्कूल है, मेरा ऑफिस भी है, और ऑफिस के अंदर जो है आज देखा आपने कोई टाटा की कोई इलेक्ट्रिक न्यू व्हीकल आ रहा है, और उसके कुछ ऐड शूट हो रहा था हमारे वहाँ पर। तो हमारा रास्ता थोड़ा सा चेंज कर दिया था कि भाई इधर ऐड शूट हो रहा है, इधर से मत जाओ। और मैं जल्दी में भी था क्योंकि कैब वहीं पे खड़ी थी, तो मैं निकल आया। बाकी आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही, क्योंकि अभी घूमने जाऊँगा, फिरने जाऊँगा, छत पर थोड़ा सा खाना खाया है तो भाई थोड़ा सा टहलूँगा। अभी आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नई चीज़ के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।